लॉक भाई टाइटल मिल गया अपने को टाइटल मिल गया, पुलिस आ गई लॉक करते करते पुलिस आ गई। हेलो दोस्तों, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। आज हमारी तबीयत थोड़ी बेहतर है कल से, तो आज थोड़ी एनर्जी है बट बीमारी एकदम से खत्म नहीं हुई है। समझ में नहीं आया कि आई तो आई क्यों, मे बी शायद हमारे इस चैलेंज को स्ट्रांग बनाने के लिए आया, जो भी होता अच्छे के लिए होता है, हम भूले ना, इसीलिए हमने देखो यहाँ पर एक लगाया रील के लिए, यहाँ पर हमारा चैलेंज और यहाँ पर एक व्लॉग के लिए, क्योंकि फिर हम व्लॉग के लिए तो कट कर दिए, फिर सोचा अरे रील के लिए कैसे कट करेंगे, तो रील के लिए अलग से लगा दिए, क्योंकि व्लॉग प्लस रील दोनों बन रहा है। और आज है सातवां रोजा और हमारे 30 डे रमजान चैलेंज का सातवां दिन। ये है पानी का बॉटल और ये है सौंफ, हम थोड़ा सा पानी में सौंफ डाल देंगे। क्या है कि हमारे डाइटिशियन ने कहा है कि इससे पेट थोड़ा शांत रहता है, लेकिन उन्होंने क्वांटिटी नहीं बताई, तो मैं सिर्फ थोड़ा ही डाल के रख रहा हूँ, ठीक है। जब हम सहरी कर जाएंगे फिर थोड़ा पी लेंगे, फिर इफ्तारी करेंगे कल, फिर थोड़ा पियेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पियेंगे, क्योंकि एक दिन में हमने मिनिमम 3.5 लीटर पानी तो पीना है। All right. कुछ नया करो MSK, कुछ नया करो, सिमिलर ही हो रहा है सारा व्लॉग। देखो 30 दिन के रोजे तो है, वो तो सिमिलर ही रहेंगे, सहरी इफ्तारी भी सिमिलर रहेगी, 5 वक्त का नमाज भी सिमिलर रहेगा, चैलेंज भी सिमिलर रहेगा। हम हर दिन कुछ नया कर सकते हैं और करेंगे, प्लान तो है। पहले मैंने ये सोचा था कि 10 दिन हम लगाएंगे हैबिट होने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हम प्योर शुद्ध देसी व्लॉगर है, ये शॉर्ट कॉन्टेंट बनाना हमारा को आता तो है लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इस बार मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया है कि 30 दिन में 30 रील बनाना है, तो जिसके लिए 10 दिन रखा था कि थोड़ा यूज टू होने दो, फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे अपनी क्रिएटिविटी लाएंगे और आपको दिखाएंगे। सेम वही सहरी का वक्त बट हर टाइम मेन्यू थोड़ा अलग होता है। ये है ब्राउन राइस, सींग फल्ली, ड्रम स्टिक का सालन, मछली, करेला का सब्जी और है सैलेड, ठीक है। हम फटाफट सहरी कर लेते हैं, सहरी का वक्त हो चुका है, जनाब जी ने भी बोल दिया है माइक पे लाउड स्पीकर पे। सहरी में जितना मैंने चावल खाया ना उतना ही मैंने सैलेड खाया है। कुछ लोगों के हम कमेंट पढ़ रहे थे, लोग कह रहे थे कि चावल खाओगे तो वेट लूज नहीं होगा, लेकिन भैया ये चीज आप गलत कह रहे हो, चावल नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, रोटी से, जिनको ग्लूटेन नहीं जमता उनके लिए क्या, फिर मतलब अपने को ग्लूटेन का इतना कोई है नहीं, अभी तक पता चलेगा पूरा रिपोर्ट देख के कि ग्लूटेन का क्या सीन है। सो बेसिकली क्या होता है ना कि वेट लूज करने के लिए कैलोरी डेफिशिएंट में खाना पड़ता है, अभी कैलोरी काउंट में कर नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमारा प्रॉपर डाइट प्लान नहीं आया है, जब आएगा तो देखते हैं। नाक साफ कर करके नाक पूरा छिल गया है, जब से ये चैलेंज शुरू हुआ है, रमजान शुरू हुआ है, तो लोगों के काफी डाउट्स हैं। जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट को लेके हम एक Q&A वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको फीचर भी करेंगे। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, नाम है आमिर मुदस्सिर। वालेकुम सलाम भाई, फ्राइडे का व्लॉग आप संडे को अपलोड कर रहे हो, आई एम स्टिल वंडरिंग, ऐसे तो ईद आ जाएगी लेकिन आपके 30 डेज कंप्लीट नहीं होंगे, ये गैप कैसे फिल करोगे, बाय द वे नाइस व्लॉग। हमारा जो दिन का शेड्यूल है ना वो इतना टाइट है कि मैं अपने दोस्तों से 10 मिनट ढंग से बात नहीं कर पा रहा हूँ। आपको एक अंदाजा देने के लिए ना आप थोड़ा कैलकुलेट करना, जैसे आपने हमारी BMW S1000 RR का एवरेज कैलकुलेट किया था ना, थोड़ा ये कैलकुलेट करना। ओके, मुझे व्लॉग एडिट करने में 2 घंटे लगते हैं, आर्या भी मुझे हेल्प करता है तब जाके 2 घंटे लगते हैं, अगर मैं खुद से सारा करूँ तो कम से कम 4 घंटे लगेंगे, लेकिन अब 2 घंटे जोड़ना उसका। रील एडिट करने को आज मैंने टाइम कैलकुलेट किया था, मुझे लगते हैं लगभग 3 घंटे, जिसमें वॉइस ओवर एडिटिंग सब करके, और उसमें जोड़ लो 7 घंटे सोने के, क्योंकि बॉडी को रिकवरी की जरूरत है, तो मिनिमम 7 घंटे तो मुझे सोना ही सोना है। क्या बोलते गुरुजी, कैसे हो? बढ़िया। कैसे गया एग्जाम आपका? कैसा बड़ू? As good as क्या क्या गैस गैस तो बहुत हो गया, एज गुड एज गैस। 1 घंटा हमारा आउटडोर का, 1 घंटा इंडोर का, लेकिन जिम में भी मैंने देखा है कि वो 1 घंटे का 1.5 घंटा हो जाता है। जो 5 वक्त की नमाज है, ठीक है, नमाज के लिए कम से कम आधा घंटा पकड़ के चलो, क्योंकि जाना वहां पर फिर नमाज पढ़ना फिर आना, लेकिन आधा आधा घंटा 5 वक्त का जोड़ लो ना, उसके बाद खाना पीना, यहाँ जाना वहां आना, उस हिसाब से फिर एक प्रॉपर शेड्यूल बना के आप मुझे दो और बताओ कि इसमें इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे तरावी पढ़ो, इस टाइम पे नमाज पढ़ो, इस टाइम पे रोजा रखो, इस टाइम एक करके देख लो, एक बना के बता दो, तो आपको
समझ में आएगा कि हम अभी क्या लाइफ जी रहे हैं। बाकी उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके बताओ, हम क्यों नहीं वीडियो करेंगे। अभी वाले तो बोलते रहेंगे करना अपना काम है, करना अपना काम है, लेकिन हमारे ऑडियंस जो है ना उनके साथ बात करना भी अपना काम है। ठीक है, बोलने वाले तो बोलेंगे लेकिन उसमें अच्छे लोग भी तो बोलते, अच्छी चीज को हम देखेंगे, बुरे चीज को क्यों देखेंगे। रमजान का महीना चालू है, 1 का 70 मिलता है 1 का 70 मिलता है। सो असर का वक्त हो गया, हम असर पढ़ने जा रहे हैं। 79.4, थोड़ा थोड़ा हौले हौले प्रोग्रेस तो है, बट अभी तक प्लान आया नहीं है प्रॉपर है। प्लान आने के बाद तो फिर तो बढ़िया होगा। चल मेरी जान, इफ्तारी का वक्त हो गया है, जाग जा। अभी मेरे दिमाग में ना एक दुविधा चल रही है, बस शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप सीरियसली लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत ये है कि व्लॉग भी कर रहा हूँ मैं और रील भी बना रहा हूँ, तो चैलेंज ये हो रहा है कि सेम चीज, मतलब अगर व्लॉग 15 मिनट का है तो उसमें से 1 मिनट रील करना होता है, तो जो हम लैंडस्केप मोड पे शूट करते हैं वही उसमें से कुछ चीजें वर्टिकल में करते हैं। तो अभी हैबिट तो हो गई है, कोई ऐसा दिक्कत हो नहीं रहा है, बट मैं सोच रहा था कि अगर व्लॉग एक दिन छोड़ के एक दिन करूं और रील पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूं वर्टिकल कॉन्टेंट पे। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि जो 15 मिनट का व्लॉग बनाते हम लैंडस्केप में उसको ना वर्टिकल में बनाओ, मतलब 10-15 मिनट का वर्टिकल में, थोड़ा ईजी हो जाएगा। फिर मैंने अपना एनालिटिक्स चेक किया, उसमें 70% लोग जो है मोबाइल में देखते हैं, ये देखो ये आ रहा साइड से, 10% लोग जो हैं वो टीवी में देखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर 10% लोग भी टीवी में देख रहे हैं तो वर्टिकल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस यही चल रहा है दुविधा। अभी मैं रील बनाने में एफर्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो शॉर्ट कंटेंट का है, वर्टिकल कंटेंट का है। तो जमाने के साथ अगर तुम नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे। जब शुरू में नोकिया आया तो बहुत चला था, फिर जमाने के साथ वो बदला नहीं तो पीछे रह गया। तो बदलना तो पड़ेगा अगर आगे रहना है तो। बट व्लॉग भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि व्लॉग इमोशन है हमारे लिए और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी। और ये पहाड़ मेरे सामने मेरा व्यू खराब कर रहा है, बीएनडी 3 गाड़ियों का रास्ता रोक लिया है। ये फोन पे बात करते हैं, रोड पे इतने रूल तोड़ने वाले लोग हैं जिसमें से सुबह सुबह हम भी रूल तोड़ ही देते हैं, कभी कभार हेलमेट नहीं पहनते हैं। अब क्या कहना, जब खुद ही के दामन में दाग हो तो दूसरे के दामन में उंगली क्यों करना, वो क्या डायलॉग है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। अंकल जी केले खा रहे हैं, केले खाते खाते गाड़ी चला रहे हैं। और ये लाइन बस के लिए, ट्रैक्शन ऑन हो रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है। अब क्या इसको दिखाने का भी वक्त नहीं है, मुझे बाल कटवाना है यार, बाल कटवाने का वक्त नहीं मिल रहा है मेरे को। सोचा था थोड़ा सा ट्रिम कर लूंगा दाढ़ी मूछ, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, काफी बिजी शेड्यूल है। लेकिन अच्छा भी लग रहा है, निकालेंगे इसमें से थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ वहाँ करके निकाल लेंगे। 1 हफ्ता हो चुका है और हमें ऐसा लगा था कि 1 हफ्ते में हमारा सारा चीज सॉर्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 70% तक तो हो गया है, 30% बचा है और 2-4 दिन लगेंगे। दस्तखान जैसा कल था, सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा है, बट एक चीज नहीं है, ये कटहल। ये कौन मंगाया आज, सूफी ने, सूफी लाई। सूफी का आज कितना रोजा चल रहा है, 7 रोजे। वाओ, अभी हम दुआ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम मिलता है। दुआ भी जरूरी है, कहते हैं कि इस टाइम दुआ करोगे तो जल्दी कबूल होती है। इस वक्त कबूलियत का वक्त होता है। क्या होता है? कबूलियत का वक्त, कबूलियत का वक्त। काबुली चना खाना तू। हो गया नमाज पढ़ के। आज मम्मी ने कुछ स्पेशल बनाया है। क्या बनाया समीर? खिचड़ा। खिचड़ा तो मतलब हम लोग बोलते हैं, लेकिन सिर्फ खिचड़ा बोलेंगे तो जैसे दाल खिचड़ी होता है, तो इसको प्रॉपर नाम क्या देंगे? खिचड़ा मतलब मिक्स होता है, ये मोहरम का स्पेशल। पूरा का पूरा डेक्चा भर के खिचड़ा। मम्मी खिचड़ा बनाने के लिए क्या क्या डालते हैं? दाल लगते हैं, गेहूँ लगते हैं, चावल लगते हैं। दाल, गेहूँ, चावल, तीनों? बहुत तरीके से दाल लगता है, 2-3 तरीके से। और मटन बस। ऐसा नहीं है कि मैं चीजें खा नहीं रहा, मैं खा रहा हूँ लेकिन एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं खा रहा हूँ। संभाल के गिराना मत। आपको बताएंगे खिचड़ा खाने की विधि। पहले निकालेंगे प्लेट में खिचड़ा, जितना आपको चाहिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, कम खाओगे तो पतले हो जाओगे। उतना ही खाना है जितना आपको जरूरत है। इसे कहते हैं बरिस्ता। अनियन को फ्राई करके काला नहीं करना है, ब्राउन करना है, और थोड़ा सा उठा लेना है और मस्त इसको डाल देना है।
और फिर निचोड़ना है नींबू ऐसे प्यार से दिल से, फिर धनिया फेंक के मारना है। क्रेडिट ऑल गोज टू मम्मी जी। खा लेते, बिस्मिल्लाह कर लेते। बहुत आड़ माइंड अपना एकदम स्वस्थ है आज और बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है, बट शरीर जो है, शरीर अपने 60% एनर्जी में है अभी। छाती थोड़ी भारी भारी है, अभी जाके मेरे को कड़ा पीना है। मैं बताता हूँ कड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीज भूली थी। वो सारी चीजें थी नहीं घर में, लेकिन जो जो चीज अवेलेबल थी कल कड़ा बना के पी लिया। लेकिन आज देखते हैं। घर से मैंने काली मिरी लिया हुआ है। औरत इधर देख के रोड क्रॉस कर रही है, उधर देखना चाहिए। तो काली मिर्च सहरी के वक्त हमने इसमें सौंफ डाल के रख दिया था, तो ये सौंफ वाला पानी पियेंगे अभी। अब टेस्ट आया सौंफ का। और आज ये सोचा था कि रोज़ा खोल के आएंगे, काढ़ा बना के पियेंगे, फिर उसके बाद में जिम जाएंगे, बट एडिटिंग के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पाता और अभी जिम का टाइम हो गया, जिम जा रहे हैं। आज से होगा प्रॉपर वर्कआउट, क्योंकि आज से ट्रेनर हमने रख लिया है, जिम भी लगा लिया है, नो मोर ट्रायल। लेकिन आज हम कहेंगे हमारे ट्रेनर को कि थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे है, दवा की वजह से थोड़ा शरीर कमज़ोर सा है, बट दिमाग 100% चुस्त है। जो भी है बढ़िया है, क्योंकि ये टाइम टेबल के हिसाब से ना मेरा टाइम मैनेजमेंट जो है वो ठीक होगा, क्योंकि अभी सब कट टू कट टाइम पे है, कोई डिले नहीं है। जमात के लिए जनाब जी मेरे लिए रुकेंगे नहीं। ईशा की नमाज जिस टाइम पे है, फजर की नमाज जिस टाइम पे है उसी टाइम पे होगी, और जिम भी जिस टाइम पे लगाया है उसी टाइम पे होगा। सो या ए, 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 ए। जिम में आज मज़ा आ गया। मज़ा इसीलिए आया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो चेस्ट मारने का जो फॉर्म था वो परफेक्ट पता चला है, बट अभी एकदम परफेक्ट नहीं हुआ है, बट करते करते परफेक्ट हो जाएगा। चीज़ें सीखने मिल रही तो अच्छा लग रहा है, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखते रहना, क्योंकि मैं जब सीखता हूँ तो मैं जिंदा हूँ, और अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। पिचकारी मारी, सीधा पिचकारी, ये भी नहीं देखा कि आगे पीछे कोई है कि नहीं, बस पता नहीं क्या क्या खाते हैं, पान मसाला या गुटका फुटका जो भी, सीधा पिचकारी, पुचुक पुचुक पुचुक। मम्मी ने क्या दिया है दिखा जरा। ओके, भिगे हुए चने, फ्रूट्स और खिचड़ा। खिचड़ा हम थोड़ा बाद में खाएंगे, अभी फ्रूट्स खा लेते। कब जाएगा यार ये। थोड़ी दिन के बाद ये थोड़े वॉलनट्स और बादाम खा रहा हूँ, पोस्ट वर्कआउट मील। नमस्ते, किस लाइन में आ गया? फिटनेस बहुत जरूरी है। आप लोग देख ही रहे हो ना इम्यून सिस्टम कितना वीक हो गया कि हर महीने में मैं बीमार पड़ रहा हूँ। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरा डाइट वाइट एकदम प्रॉपर हो पाएगा। कितनी अच्छी चल रही थी जिंदगी यार, नो डाइट प्लान, कुछ भी मन कर रहा खा रहे हैं, जहाँ तेल निकल वहीं जा रहे हैं। बहुत मन करता है भजिया भजिया खाने का, बहुत मन करता है शरबत वरबत पीने का। वो लीच उसकी मां जान चालू है, 70 का लेगा उसको। आ गया मेरा भाई, शफीक ने बनाया है गर्मा गर्म काढ़ा। काढ़े में क्या क्या डाला है मेरे दोस्त? हल्दी है, हनी है, जिंजर है, लेमन है, काली मिर्च। काली मिर्च भी डाला एक इसमें, वो इलायची आती है वो नहीं डाला मैंने, बट वो है नहीं। ये पियेंगे, साथ साथ में एडिट करेंगे और अपने अंदर का जो भी कंजेशन है छाती के अंदर उसको दूर करेंगे। बढ़िया शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। वॉक करने के लिए निकल गए। आप लोगों को सब चीज़ें भी सेम लग रही होगी, मेरे को भी लग रही है सेम चीज़ें। मैं नई क्रिएटिव चीज़ें इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ये जो शेड्यूल है बहुत टाइट है, ये चैलेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रमजान भी इंपॉर्टेंट है, तो इस चक्कर में क्या होता है क्रिएटिविटी का टाइम नहीं मिल रहा है। और मैंने हमेशा से क्रिएटिविटी की है, अभी सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान दे रहा हूं मैं, बट कुछ टाइम बाद जब ये हैबिट में आ जाएगा ना तब क्रिएटिविटी चालू करूंगा। बस 3 रोज़ और रुक जा, फिर दिखाता हूं। स्लो में आएगा, स्लो स्लो। अभी मैं और शफीक डिस्कस कर रहे थे कि भाई बाल कटवाता है, और हमारा शेड्यूल इतना टाइट है ना कि हमें बाल कटवाने का टाइम नहीं है। टाइम निकाले तो निकाले कहाँ से? अगर आप लोगों ने शेड्यूल बनाया होगा जो आज मैंने आपको कहा था, तो बताइएगा बाल कब कटवाएं। भाई के पास पैसा होता है कि उसको खोलने के बाद आके फिर एडिट करना पड़ता है, वो उसको काम रहता है ना, वो मैनेज के चक्कर में वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी रोजा खोलने के बाद तू कटा सकता है, मेरे पास टाइम है, मैं रात में कटा सकता, मेरे बादलों को बोल के अपने आतिक भाई को बुलाते हैं। हम दो, हमारे चार, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ चार लोग हैं, चार चार परछाई। 45 मिनट्स आउटडोर वर्कआउट भी होता है कंप्लीट, खत्म। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोग्रेस पिक्चर। डे 7 का चैलेंज होता है कंप्लीट।
ये होता है हमारा एक हफ्ता पूरा। पांचवा दिन और छठा दिन बहुत ही मुश्किल वाला, याद रखूंगा। बाकी ब्लॉग होता है समाप्त। लिव लाइफ लिव अ ड्रीम। सेम वही इफ्तारी का, सॉरी इफ्तारी बोल दिया, सहरी।